आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा। शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव। हलगा मच्छे बाईपास मामले में कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मारा तमाचा। मराठा बटालियन ने जम्मू कश्मीर में मनाई शिव जयंती। बसवनकुर्ची में नागरिक मुद्दों पर चर्चा। शहर में पब और नाइट क्लब पर रोक लगाने की मांग। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। चारा घोटाला में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 साल की कैद सजा सुनाई गई है। पिछले हफ्ते 15 फरवरी को लालू प्रसाद समेत 38 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। उन पर डोरंडा कोषागार से अवैध रूप से 139.35 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगाया गया। रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एस के शशि ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई। लालू प्रसाद पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में दोषी ठहराए गए अन्य 37 लोगों को सजा सुनाई जा रही है। 15 फरवरी को लालू प्रसाद समेत 38 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। इसके बाद लालू प्रसाद को जेल भेज दिया गया। जेल प्रशासन ने लालू प्रसाद को इलाज के लिए रिम्स भेजा था। रिम्स की ओर से लालू प्रसाद कोर्ट में मौजूद थे। शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव। कर्नाटक में बजरंग दल के 23 वर्षीय कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। शिवमोगा जिले में रविवार रात हर्ष नामक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। हर्ष को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मौके पर ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर हिजाब को लेकर पोस्ट करने के बाद हत्या को अंजाम दिया गया। हालांकि कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा है कि इसका राज्य में चल रहे हिजाब विवाद से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, लेकिन हमें किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले आगे की जांच का इंतजार करना होगा। गृह मंत्री ने कार्यकर्ता के परिवार से भी मुलाकात की है। हत्या रविवार रात 9:30 बजे हुई। पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं। हम जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। इस बार उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हत्या का सही कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। शिमोगा के लिए आरक्षित पुलिस भेजी जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। हलगा मच्छे बाईपास मामले में कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मारा तमाचा। हलगा मच्छे रोड को लेकर फिर किसानों को नोटिस दिखाए गए। किसान जब यहां कोर्ट में विरोध प्रदर्शन करने गए तो कोर्ट ने उन्हें स्थायी तौर पर स्टे दे दिया। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। हलगा मच्छे बाईपास रोड पर कोर्ट की सुनवाई किसानों के पक्ष में थी और कोर्ट ने इससे पहले अंतरिम फैसला आने तक बाईपास रोड के काम पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि अब आदेश को बरकरार रखा गया है। हालांकि किसानों ने जीरो पॉइंट को ठीक करने की मांग को लेकर सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले पुलिस सुरक्षा में सड़क का काम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कराया था। दमित किसानों की फसलों में जेसीबी लगाकर सड़क का काम शुरू कर दिया गया। अदालत ने स्थगन आदेश को वापस लेने के लिए प्राधिकरण के आवेदन को भी खारिज कर दिया था। अब नए आदेश से किसानों को राहत मिली है। रवि कुमार गुकाकर ने किसानों का जोरदार बचाव किया। मराठा बटालियन ने जम्मू कश्मीर में मनाई शिव जयंती। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इलाके में मराठा बटालियन के जवानों ने बड़े उत्साह के साथ शिव जयंती मनाई। इस मौके पर कोल्हापुर के गडहिंग्लज के एक जवान प्रदीप तोड़कर ने बर्फ में छत्रपति शिवाजी की 10 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की थी। उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इलाके में मराठा बटालियन के जवानों ने बड़े उत्साह के साथ शिव जयंती मनाई। मराठा बटालियन की एक टुकड़ी पाकिस्तान की सीमा पर समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर काम कर रही है। वहाँ का तापमान फिलहाल -25 डिग्री है। फिर भी भारतीय सैनिकों ने हठपूर्वक शिव जयंती मनाई और मराठा बाण का जाप किया।
बेलगाम से मराठा लाइट इन्फेंट्री की एक टुकड़ी श्रीनगर में काम कर रही है। वहां छत्रपति शिवाजी महाराज की घुड़सवारी की मूर्ति स्थापित की गई है और हर साल शिव जयंती मनाई जाती है। बसवन कुर्ची में नागरिक मुद्दों पर चर्चा। देवराज अर्स कॉलोनी और बसवन कुर्ची पिछले कुछ वर्षों से नागरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसकी जानकारी नगर निगम को लगातार दी जा रही है और इसकी अनदेखी की जा रही है। इसके लिए जागरूक नागरिकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। मांग की गई है कि इस क्षेत्र की समस्याओं का निदान कर समाधान किया जाए। निगम के वार्ड नंबर 48 में बसवन कुर्ची, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, देवराज अर्स कॉलोनी, अलारवाड़ में सड़कें काफ़ी खराब है। पानी की आपूर्ति नहीं होने से नागरिकों को परेशानी हो रही है। इसके साथ और भी मुद्दे है और नागरिक शिकायत कर रहे कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ के लोग इनके समाधान के लिए आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। बैठक के दौरान इस पर चर्चा की गई। पार्षद बसवराज मोदगेकर, शेखर कमार, महेश हिरेमठ, डॉक्टर जगत शंकर गौड़ा, अब्दुल गनी यरगट्टी सहित अन्य नागरिक उपस्थित थे। शहर में पब और नाइट क्लब पर रोक लगाने की मांग। शहर में पब और नाइट क्लब पर रोक लगाने की मांग वार्ड नंबर 7 के पार्षद शंकर पाटिल ने की है। पार्षद पाटिल ने 28 फरवरी से पहले कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। शनिवार को पार्षद पाटिल ने बयान दिया। जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ ने बयान को स्वीकार कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बेलगाम में नाइट क्लबों और पबों की संख्या बढ़ रही है और प्रभावित युवा बड़ी संख्या में नाइट क्लबों में भाग ले रहे हैं और इसे शहर में कई कदाचार हो रहे हैं। बयान में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ये नाइट क्लब दोपहर 2 बजे से सुबह 4 बजे तक देर रात तक खुले रहते हैं। इन नाइट क्लबों और पबों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये नाइट क्लब और पब रात 11 बजे बंद हो जाने चाहिए। किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा बयान में कहा गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831-240-5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. Belgaum वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831-243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। भक्तों के अपार उत्साह में ज्योतिबा का पहला पूजा सत्र ज्योतिबा डोंगर पर ज्योतिबा के नाम से गुजरा। 2 साल के कोरोना बंधन ने इस सत्र की परंपरा को तोड़ा था। रविवार को भक्तों की भारी भीड़ अपने प्रिय ज्योतिबा के दर्शन करने पहुंची। इस उत्सव में बेलगाम क्षेत्र के लाखों भक्तों ने भाग लिया था। रविवार सुबह 4 बजे मंदिर के द्वार खोले गए। श्री पाद्य पूजा और काकड़ आरती के बाद भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। सुबह 8 बजे श्री का अभिषेक किया गया और पूजा की गई। दोपहर में धूप आरती समारोह हुआ। सांसद ने किया रेलवे स्टेशन के निर्माण का निरीक्षण। यहाँ रेलवे स्टेशन जीर्णोद्धार का काम सांसद मंगला अंगड़ी ने दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान रेलवे स्टेशन के काम में तेजी लाने और उसमें सुधार करने के निर्देश दिए गए। लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत से बेलगाम रेलवे स्टेशन को तेज गति शुरू की जा रही है। लगभग 60% से अधिक काम पूरा हो चुका है। रेलवे स्टेशन को आकर्षक बनाया जा रहा है। बेलगाम के इस 4 मंजिला रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। अंगड़ी को अधिकारियों से काम की जानकारी मिली। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा
समीक्षा की। अंगड़ी ने कहा कि 190 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार का काम अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारियों को इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने और गुणवत्तापूर्ण काम करने को कहा गया है। इसे अप्रैल तक जनता के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस अवसर पर रेलवे विकास निगम के सहायक महाप्रबंधक अरुण कुमार पाटिल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ईश्वरप्पा के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन। बेलगाम जिला कांग्रेस ने एक बयान में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री ईश्वरप्पा को मंत्रालय के पद से हटाने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस की ओर से बेलगाम जिला प्रशासन द्वारा मांग का बयान राज्यपाल गहलोत को भेज दिया गया है। ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री KS ईश्वरप्पा ने तिरंगे झंडे के स्थान पर भगवा झंडा फहराने की बात कहकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। उनका बयान भाईचारे और देश की अखंडता का उल्लंघन है। बेलगाम जिला कांग्रेस ने मांग की है कि उनके बयान पर गंभीरता से विचार किया जाए और उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ईश्वरप्पा के खिलाफ RTO सर्किल स्थित कांग्रेस भवन से विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेलगाम जिला कलेक्टर कार्यालय तक मोर्चा किया और जिला प्रशासन को बयान दिया गया। इस अवसर पर बेलगाम जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष विनय नवलगट्टी, नगर अध्यक्ष राजू सेठ सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। CA एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा संचालित बेलगाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन का उद्घाटन समारोह हाल ही में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कांता श्रीनिवास ने भाग लिया। इस वक्त उन्होंने मार्गदर्शन किया। पूर्व अध्यक्ष राहुल अड़के ने स्वागत टिप्पणी की। उसके बाद नए चेयरमैन नितिन निम्बालकर होंगे। अध्यक्ष MS तिगड़ी ने पदभार ग्रहण किया। सचिन खड़बड़ी, कोषाध्यक्ष राजेंद्र मुंडाड़ा, सिकासा के अध्यक्ष संजीव देशपांडे और समन्वयक वीरना मुरकोट ने भी पद स्वीकार किया। कांता श्रीनिवास ने नए पदाधिकारियों का अभिनंदन किया। इस मौके पर नए अध्यक्ष नितिन निम्बालकर ने अपने विचार व्यक्त किए। सचिन खड़बड़ी ने धन्यवाद किया। नए राशन कार्ड जल्द बांटे जाएंगे। हालांकि राशन कार्ड जारी हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला है उनके लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि आवेदकों को जल्द से जल्द राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। विधानसभा में भाजपा विधायक L नागेंद्र ने राशन कार्ड को लेकर सवाल उठाया था। उस समय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कत्ती ने जवाब दिया। जल्द से जल्द पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे। आवेदन की जाँच की जा रही थी, लेकिन अब पात्र आवेदकों को राशन कार्ड बांटे जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। काल में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इस दौरान आवेदक के घर का मुआयना किया गया। हालांकि बायोमेट्रिक्स का उपयोग नहीं करने के कारण डिलीवरी में देरी हुई। अब नए राशन कार्ड बांटे जा रहे हैं। राज्य हवाई अड्डा सेवा में बेलगाम तीसरे स्थान पर रहा। स्मार्ट सिटी पहचान बनाकर अपनी अत्याधुनिक सेवाओं के लिए मशहूर बेलगाम शहर ने एक और मील का पत्थर पार किया है। बेलगाम हवाई अड्डा अब देश के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। बेलगाम हवाई अड्डा अब कर्नाटक का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा 5 एयरलाइनों इंडिगो, स्पाइसजेट, स्टार एयर, एलाइंस एयर और टूजेट को 13 मार्ग और 34 उड़ान संचालन प्रदान किए गए हैं। विशेष रूप से ये उड़ान योजना के तहत किसी भी हवाई अड्डे द्वारा अधिग्रहित हवाई मार्गों की सबसे अधिक संख्या है। स्पाइसजेट, इंडिगो, एलाइंस एयर और टूजेट ने उड़ान योजना के तहत प्रदान किए गए सभी मार्गों पर सेवाएं शुरू कर दी है। स्टार एयर ने अब तक बेलगाम से 7 रूटों के लिए सेवाएं शुरू कर दी है। ये जयपुर और नागपुर के लिए भी सेवाएं शुरू करने का प्रयास कर रहा है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट, पुजारा पटेल ने मुंबई को रोका। भारतीय टेस्ट टीम ने अपनी जगह गंवाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने सौराष्ट्र के हार से बचने के लिए रविवार को आक्रामक अंदाज में खेल दिखाया। पुजारा और स्नेह पटेल ने सौराष्ट्र को मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के ग्रुप डी में ड्रॉ कराने में मदद की। प्रो कबड्डी लीग, पुनेरी रेजिमेंट का सामना UP वॉरियर्स से। सीरीज के आखिरी मैच में जीत के साथ नॉकआउट चरण में पहुंचने वाली पुनेरी पलटन प्रो कबड्डी लीग में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहती है। सोमवार को पहले एलिमिनेटर मैच में पुणे वॉरियर्स का सामना UP वॉरियर्स से होगा। विजेता टीम सेमीफाइनल में जाएगी। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट, महाराष्ट्र की जीत। बाएं हाथ के स्पिनर सत्यजीत बच्चन ने 45 रन देकर 7 विकेट चटकाए। उनकी शानदार गेंदबाजी ने महाराष्ट्र को ग्रुप सी मैच में असम पर एक पारी और 7 रन से जीत दिलाकर रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की। नाराज सहा का राहुल द्रविड़, चेतन शर्मा पर आरोप।
भारत के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा के रविवार को दिए गए बयान से हड़कंप मच गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद कोच राहुल द्रविड़, राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा ने परोक्ष रूप से उनके संन्यास का संकेत देते हुए आरोप लगाया कि वो चुप है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।